मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल 20 नवंबर को कल्याण में। कल्याण मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से 20 नवंबर सोमवार को मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल की जाहिर सभा का आयोजन कल्याणपुर में किया गया, जिसके लिए कांग्रेस, शिवसेना शिंदे गुट, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेतागण एकजुट हुए। बता दें कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर इससे पहले भी कल्याण मराठा क्रांति मोर्चा के आंदोलन में सभी राजकीय पार्टियों के मराठा नेता एकजुट हुए थे। कल्याणपुर के पोटे मैदान पर सोमवार 20 नवंबर को सभा का आयोजन करने का इरादा किया है, जबकि सभा के लिए कल्याण पश्चिम के सुभाष मैदान, फड़के मैदान, कल्याणपुर के 100 फीट रोड तथा खड़े गोलोली APMC मार्केट 100 फीट रोड का भी निरीक्षण स्थानीय पुलिस की निगरानी में किया है। आशा है कि सभा कल्याणपुर में होगी। बता दें कि जरांगे पाटिल ने संपूर्ण राज्य का दौरा करने का फैसला किया है। यहां वो मराठा कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मुलाकात करके सभा को संबोधित करेंगे। वो क्या भूमिका स्पष्ट करेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। वीस तारखेला मराठा कोळसवाडी पोटे मैदान या ठिकाणी माननीय मनोजी जरांगे साहेब यांची जाहीर सभा या ठिकाणी मराठा आरक्षण संदर्भात होणार आहे, आणि त्याची पूर्वतयारी करता आम्ही 2-3 ठिकाणी फिरत होतो जागेच्या संदर्भात। पण त्या ठिकाणी पोटे मैदान हे जवळपास सगळ्याच आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी मराठा समाजाने ठरवलेलं आहे, आणि त्या ठिकाणी 20 तारखेला मोठी ऐतिहासिक सभा जरांगे पाटलांची होईल असं या ठिकाणी आम्हाला मराठा योद्धा जरांगे पाटील यांची कल्याणला 20 तारखेला सभा आहे, आणि जरांगे पाटीलने संपूर्ण महाराष्ट्रात 15 तारखेपासून 23 तारखेपर्यंत महाराष्ट्राचा दौरा काढलेला आहे। ह्या दौऱ्यामध्ये कल्याण त्यांनी घोषित केलेलं आहे आणि त्याच्या दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा कार्यक्रम त्यांनी फिक्स केलेला आहे, आणि त्याच्यानुसार संपूर्ण नियोजन संपूर्ण मराठा समाज या ठिकाणी करत आहे। आणि पोटे मैदान जे आहे, ह्या पोटे मैदानामध्ये सभा घेण्याचं सकल मराठा समाजाने ठरवलेलं आहे।